नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताएंगे एक ऐसी जादुई लकड़ी के बारे में जिसको यदि पानी की उल्टी दिशा में डाल दिया जाए तो दोस्तों यह जादुई लकड़ी पानी के विपरीत जगह ऊपर की ओर चढ़ती है। और दोस्तों यह जादुई लकड़ी बहुत ही चमत्कारिक है। इसके द्वारा हम लोहे के ताले को खोल सकते हैं, किसी भी लोहे के वस्तु को काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह लकड़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसका नाम है चितावर की लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह चितावर की लकड़ी होती है और इसको जो है गरुड़ बूटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अलग अलग राज्यों में वहाँ की भाषा के अनुसार इसको अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है। दोस्तों इस औषधि के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। दोस्तों यह जो जादुई लकड़ी है यह आसानी से हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकती। जैसा कि आजकल लोग दूसरी लकड़ी को जो है चितावर की लकड़ी बता करके और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि गलत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, चितावर की लकड़ी एक ऐसी जादुई चमत्कारी लकड़ी है, यदि आप उसको पानी की उल्टी दिशा में डालोगे तो दोस्तों यह सीधी दिशा में ऊपर की ओर चढ़ती है। यानी कि दोस्तों जैसे मान लो पानी नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, और आप यदि इस जादुई लकड़ी को पानी की विपरीत दशा में अगर इसको जो है छोड़ोगे तो दोस्तों ये वहाँ से जो है एक अद्भुत तरीके से ऊपर की ओर चढ़ेगी। सीधा सा अर्थ है दोस्तों, यह चितावर की लकड़ी आसानी से मनुष्य पहचान नहीं सकता। जिसको सही से पहचान है, जो जानता है, जिसने अध्ययन किया है, वही पहचान सकता है। और दूसरी बात, इसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और यह जादुई लकड़ी घने जंगलों में पाई जाती है और दोस्तों जो जंगल बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं वहाँ ज़्यादा ही पाई जाती है। दोस्तों इस जो लकड़ी होती है इसकी पहचान केवल और केवल कौवे को होती है। जी हाँ दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर दोस्तों कुदरत की एक ऐसी कला है जिसको यह पहचान जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग गांव में बहुत सारे लोगों ने किया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौवा इस लकड़ी का प्रयोग कैसे कर लेता है। दोस्तों यह एक रहस्य बना हुआ है कि कौवे को कैसे पता चला कि यह लकड़ी लोहे को काट सकती है। यह लकड़ी जो है बहुत ही अद्भुत तथा पावरफुल है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों हमारे गांव में एक भैया रहा करते थे और वह जो है तांत्रिक गतिविधियों में और तांत्रिक जड़ी बूटियों में और अलौकिक जड़ी बूटियों की खोज में लगे रहते थे। तो दोस्तों उनको उनके जो दादाजी थे उन्होंने बताया कि एक ऐसी भी लकड़ी होती है, यदि इसको आप पानी की ओर डालोगे, यानी कि जैसे दोस्तों जहां पानी का बहाव होता है, यदि इस जो लकड़ी है यदि इसको डालोगे तो दोस्तों यह लकड़ी जो है पानी के विपरीत दिशा में दौड़ती है। और दोस्तों यह लकड़ी जो है बहुत ही अद्भुत होती है। यहाँ तक कि यह भी दावा है कि यदि यह लकड़ी पानी में डाल दी जाए तो यह लकड़ी सांप बन जाती है और आप जैसे ही इस लकड़ी को हाथ में ले लोगे तो यह लकड़ी वापस लकड़ी बन जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक कहानी बता रहा था तो मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। मित्रों जैसे कि मैंने कहा, हमारे एक भैया थे, उनके दादाजी ने बताया इस जादुई लकड़ी के बारे में। तो दोस्तों क्या करा कि एक कौवे का घोंसला ढूंढा पहले। जी हाँ दोस्तों, एकांत में जंगलों में, ठीक है, वह जंगल गए, उन्होंने कौवे का घोंसला ढूंढा जहाँ पर उसके बच्चे थे। तो वह गया, उसने सबसे पहले लोहे के, जी हाँ दोस्तों लोहे के 100-100 ग्राम के छल्ले बनवा लिए। कितने? 4 बच्चे थे कौवे के घोंसले में, तो उसने लोहे के कम से कम 4 छल्ले बनवा लिए 100-100 ग्राम के, ठीक है। और वह गया कौवे के घोंसले में, उसने जो उसके बच्चे थे उसके बच्चों के पैरों में पहना दिया। और दोस्तों जब वजन भारी हो जाता है तो पक्षी नहीं उड़ पाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा करके उन्होंने वापस आ गए अपने घर की ओर, ठीक है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद वह गए, वहां पर उन्होंने देखा कि जो लोहे के छल्ले थे वह कटे पड़े हैं। दोस्तों हैरानी वाली बात थी, उन्होंने जब देखा इस चीज को वह
हैरान रह गए कि कौवा, जी हाँ दोस्तों, एक कौवा कैसे अपने बच्चों को लोहे के छल्ले से आजाद करके ले गया। और दोस्तों वह लकड़ी उसी घोंसले में ही थी, लेकिन उसको पहचान कर पाना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए उन्होंने पता है क्या करा मित्रों, उन्होंने उस घोंसले को बड़े ही आराम से अपने तौलिए में यानी एक कपड़े में लपेटा, पूरे घोंसले को, उसमें से एक लकड़ी नीचे नहीं गिरने दी और उसको लेकर के आए और जा करके पास के तालाब में डाल दिया। जैसे ही उसमें से एक लकड़ी जो है अजीब हरकत करने लग गई और सांप बन गई तो वह डर गए, क्योंकि उस तालाब के पास बिल थे तो उन्होंने सोचा कहीं सांप तो नहीं है। तो दोस्तों वह जो है डर के मारे वहां से थोड़ी दूर आ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये सचमुच का तो सांप नहीं है। यानी कि दोस्तों वह जो लकड़ी थी जादुई मेरे भैया को जो है दोस्तों वह भ्रम में डाल रही थी, लेकिन उन्होंने दिल पक्का करा और उन्होंने उस लकड़ी को पकड़ लिया, ठीक है, जो अजीब सी हरकत कर रही थी। जैसे ही वह हाथ में आई वह वापस लकड़ी बन गई। दोस्तों यह बात सच है, लेकिन मुझे पता है कई लोग यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों यह बात सत्य है, आप चाहे मानो या ना मानो, क्योंकि आज भी ऐसी ऐसी औषधियां हैं हमारे भारतवर्ष में। यदि कोई शरीर है, जी हाँ दोस्तों, यदि कोई लाश है, यदि उसमें उन औषधियों का लेप कर दिया जाए तो सदियों बीत जाते हैं तब भी लाश खराब नहीं होती है। ऐसी ऐसी औषधियां हैं। आगे चल के दोस्तों मैं ऐसी ही दिव्य जानकारियां लाऊंगा और आपको बताऊंगा इस चितावर लकड़ी के बारे में। दोस्तों चितावर लकड़ी के बारे में मैं जल्द ही दूसरा वीडियो भी लेकर के आऊंगा, जिसमें आपके जो भी डाउट है, जो भी आपके मन के भ्रम है, जो भी सवाल है, उनको मैं दूर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को एकदम रोमांचित कर देने वाली जानकारी देता हूँ, चाहे तांत्रिक साधनाएं हो, तांत्रिक जड़ी बूटियाँ हो, अलौकिक जड़ी बूटियाँ हो, या फिर साधारण जड़ी बूटियाँ हो, या फल फ्रूट हो, या सब्जी हो, सभी प्रकार की दिव्य जानकारियाँ देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों आपसे एक विनती है मेरी कि वीडियो पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। एक बात और दोस्तों, आप लोग जो है दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा करके रखा करें, क्योंकि दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसका संकेत आपके पास नहीं जाता, यानी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और दोस्तों यदि आप घंटी दबा लेते हैं तो दोस्तों जब भी यानी कि सब्सक्राइब कर देने के बाद तुरंत घंटी आपको जो है दबा करके रखनी है, यानी कि दबा लेना है, ठीक है। और दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे उसका संकेत आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे भाई बंधु थे, उनको शिकायत थी कि भैया हमें पता नहीं चल पाता है कि वीडियो जो है आप अपलोड कब करते हैं। तो उनसे कहना चाहूंगा कि भैया आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन बिल नहीं दबा रखा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि घंटी जरूर दबा करके रखें, क्योंकि दोस्तों घंटी का जो ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ऐसा एक संकेतिक एक ऐसी संकेतिक यंत्र है जिसके द्वारा आपको जो है इस जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे उसका आपको जो है नोटिफिकेशन यानी संकेत मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी जानकारी दी है मैंने आपको, यह जानकारी आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए दी है। और दोस्तों इस चितावर की लकड़ी को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जब कोई मेहनत नहीं कर पाता है तो उसके लिए यही होता है कि यह सब कुछ नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है कि वह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, ब्लेम करता है, जो कि गलत है। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि चितावर लकड़ी एक ऐसी दिव्य और अद्भुत लकड़ी है जिसके अंदर ऐसे अलौकिक गुण हैं जो इसको सबसे अलग बनाती है। दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि आप इस लकड़ी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में सही से आप जानकारी और निकालें, ठीक है। और जैसे कि हम तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है मित्रों, तो आपसे मैं यह कहना चाहूँगा कि कभी भी हो जंगल में यदि आप इस चितावर की लकड़ी को ढूंढने जाते हैं तो अकेले ना जाएं, कम से कम 3 से 4 जने जाएं, ठीक है। और जब भी यह प्रयोग करें तो दोस्तों ऐसा करें कि बड़े ही सावधानी से करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम जंगल जाते हैं ना तो हमें वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जंगलों में ऐसा होता ना कि वहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि कई चोर उचक्के भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी
नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जिनके द्वारा हमें क्षति भी हो सकती है। एक बात और दोस्तों कि मित्रों, आप कई लोगों को शिकायत है कि भैया आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मेरा स्पीकर जो है ना वह ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है, इस मारे मुझे स्पीकर नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही कोई अच्छा स्पीकर मिलेगा, यानी कि जैसे ही कोई अच्छा माइक मिलेगा, उसके द्वारा मैं आपको और भी अच्छे से और एकदम क्लियर अच्छी आवाज़ के साथ वीडियो बनाऊंगा जो आपके काम आएगा। लेकिन दोस्तों अभी आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी कि जो मेरी टूटी फूटी आवाज़ है इसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। मुझे मालूम है मित्रों आपको सुनने में समझने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसके लिए मैं आप सभी से दिल से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें मित्रों, परंतु क्या करूँ मैं भी बेबस हूँ।